अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी आमना तलहा। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है बॉडी केयर के ऊपर। और ये जो सारे मैंने प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर किए ये मार्केट के हैं, और इसके अंदर जो मैंने आप लोगों के लिए एक बॉडी स्क्रब भी जो है वो शेयर किया, तो आप लोग वीडियो लाजमी सारी देखिए। अच्छा जी, तो अब हम लोग जो है ना बिल्कुल टाइम जाए कि बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि बॉडी केयर के ऊपर है। और जैसे कि सर्दी है तो सर्दियों में बॉडी केयर की हमें ज़्यादा नीड होती है, वैसे गर्मियों में भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और दोनों सूरतों में हमें केयर करनी चाहिए। लेकिन सर्दियों में ये कि स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है, अजीब सी हो जाती है, खुरदरी सी हो जाती है स्किन के ऊपर, जो है ना स्ट्रॉबेरी लेग्स भी काफ़ी लोगों को इशू होता है। स्ट्रॉबेरी लेग्स भी होती हैं, आर्म्स भी होती हैं, और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं बॉडी के। तो आज की इस जो वीडियो में ना हम लोग सारे मसले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करूँगी वो है सोप, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को बॉडी को करना होता है क्लीन। उसके लिए मतलब जो लोग ज़्यादा शावर जेल्स वगैरह की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, जिनकी स्किन मतलब सूट नहीं करती शावर जेल, या जिनको लगता है शावर जेल यूज़ करके हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, वैसे होती तो नहीं, शावर जेल ही यूज़ करना चाहिए, वो बेस्ट होता है। सोप ज़्यादा स्किन को ड्राई करता है। और लेकिन फिर भी कई लोग अफोर्ड, अगर जो लोग ना कर सकें, जो लोग रीज़नेबल प्राइसेस में जाना चाहें, तो उनके लिए मैं सोप रिकमेंड करूँगी। और आप लोग जो है ना डव के सोप यूज़ किया करें, डव के सोप ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसमें आप लोग कोई सा भी फ्लेवर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरे पास जो है ना यहाँ पे ये मैंगो बटर में है, और ये स्किन मैंने इसलिए ली है क्योंकि स्किन को ना अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। और पैकिंग आप लोग इसकी देख लें, और फ्रेग्रेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल सिंपल सी इसकी पैकिंग है। मैं ये पहले यूज़ कर चुकी हूँ इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बल्कि डव के जो सारे ही सोप्स हैं ना वो बहुत अच्छे, मुझे सारे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ओट्स वाला भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, और लेवेंडर वाला भी काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को जो दिल करता है ना, जो आप लोगों का दिल करता है, आप लोग वो यूज़ करें। और उसके बाद ही हम लोग आ देते हैं बॉडी को सबसे पहले, जैसे कि हमने बोला क्लीन करना है, तो वो साबुन के साथ भी कर सकते हैं, शावर जेल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे शावर जेल का मेरे पास ऑप्शन है ये डव वाली, और जो प्राइसेस वगैरह आप लोग जो गूगल से चेक कर लेना या फिर दराज पे भी चेक कर सकते हो, मुझे कंफर्म याद नहीं है अब, लेकिन इसका याद नहीं है, मेरा ख्याल है 300 या 400 के राउंड अबाउट आप लोगों को ये सोप मिल जाएगा, या 250 या इतना भी नहीं है, कंफर्म मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुकी हुई हूँ। लेकिन इसका जो है मुझे याद है, ये बोतल जो है मेरा ख्याल है मैंने 600 में ली थी या 500 में, 5 ml है इसके अंदर। और ये जो है ना सिल्क ग्लो नर्शिंग बॉडी वॉश है डव का, ये आप लोग देख सकते हैं इसकी फ्रंट और बैक की पैकेजिंग ऐसी है, ज़रा मैं आप लोगों को क्लोज करके दिखा दूँ, बिल्कुल ऐसे ठीक है। और आप लोग चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों की स्किन को ड्राइनेस का इशू होता है, ज़्यादा ड्राई होती है स्किन, तो वो लोग जो है ना ये लास्ट में ट्राई करें, आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। मैं भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी है। और उसके अलावा एक यहाँ पर मेरे पास पियर्स की भी है, और ये पियर्स की जो है हम लोग विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग समर में भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं समर में, लेकिन ये विंटर में ज़्यादा बेस्ट रहेगी और ये समर में ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ठीक है। और वैसे इसको आप अगर विंटर में भी यूज़ करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। और अगर आप लोग चाहें तो बॉडी को डबल क्लींस भी कर सकते हैं, पहले सोप यूज़ कर लें और उसके बाद जो आप लोग शावर जेल यूज़ कर लें। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारी डेली की स्किन केयर में हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसको, स्किन केयर नहीं सॉरी, डेली की बॉडी केयर होगी हमारी। उसके बाद ही हम लोग आ जाते हैं वीकली और मंथली। अच्छा, वीकली और मंथली अगर आप लोग बॉडी केयर करना चाहते हैं ना, और इसके बाद जो है ना आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र जो है ना वो लाजमी अप्लाई करना है, लाजमी लाजमी लाजमी, ठीक हो गया। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ एक स्क्रब। और स्क्रब अगर आप लोग यूज़ करना चाहें ना होममेड, जो लोग मतलब जिन लोगों को बाहर के स्क्रब अच्छे नहीं लगते, वैसे मैं भी ज़्यादातर जो है ना होममेड स्क्रब ही प्रेफर करती हूँ। मैं जब खुद के लिए बनाती हूँ तो मैं होममेड ही बनाती हूँ। मैंने शेयर भी किया हुआ पहले भी, मैंने अपनी कौन सी वीडियो में शेयर किया था, मेरा ख्याल है जो मैंने फेशियल के ऊपर वीडियो बनाई थी ना उसके ऊपर शेयर किया था, लेकिन अब जो है मैंने बना के नहीं दिखाया, लेकिन मैं वैसे आप लोगों को बता देती हूँ। वाइट शुगर आप लोगों ने 1 tablespoon ऐड करनी है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, और कॉफ़ी का 1 tablespoon ऐड करना है, उसके अंदर आप लोगों ने 1 tablespoon हनी ऐड करना है, जो लेमन है ना वो हाफ लेमन आप लोगों ने ऐड करना है, और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आप लोगों को ज़्यादा उसकी थिक सा नहीं पसंद है तो आप लोग थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना वो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल आप लोग उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और बॉडी के ऊपर सर्कुलर मोशन में जो है ना इस तरीके से आप लोगों ने करना है उसका मसाज। तो होममेड स्क्रब ये हो गया हमारा, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों का दिल करता है। जैसे मैं भी कभी कभी होममेड स्क्रब यूज़ करती हूँ, उससे ये होता है जो होममेड स्क्रब होता है ना, जिनको स्ट्रॉबेरी लेग्स या आर्म्स का इशू होता है ना, जिनकी स्किन के ऊपर बम्स बन जाते हैं वैक्स के बाद, तो वो जो है ना काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाकी जो बाहर के भी स्क्रब होते हैं कर, तो वो भी बॉडी को क्लीन देते हैं, लेकिन उस लिहाज से नहीं जैसे घर वाला जो स्क्रब होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। और अब जी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ दो जो है ना स्क्रब शेयर करूँगी, एक ये वाला है हनी बॉडी स्क्रब है ये वाला, ठीक है,
और एक जो है ये चारकोल बॉडी स्क्रब है। ये वाले जो स्क्रब है ना आप लोगों को किसी भी मार्ट में, एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ, किसी भी मार्ट वगैरह या मॉल वगैरह से मिल जाएंगे और कुछ ज़्यादा ये महंगे भी नहीं है। मेरा ख्याल है जब मैंने ये लिए थे ना यहाँ पे, देखें मैं ये वाला जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, इनकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। ये ज़्यादातर जो है ना मैं सर्दियों में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये हनी वाला स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं करता है। तो ये चारकोल वाला भी मैंने यूज़ किया है, थोड़ा बहुत यूज़ किया है। ये ज़्यादा मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ क्योंकि ये जो है ना गर्मियों में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जब मैंने ये बाय की थी आई थिंक मुझे 200 के राउंड अबाउट ये मिल गए थे। तो आप लोग देख लेना कि आप लोगों को, अब मुझे नहीं पता कि प्राइसेस वगैरह चेंज हुए हैं या नहीं, तो आप लोग खुद ही देख लेना, चेक कर लेना कि आप लोगों को मतलब कितने तक मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हम लोगों ने बॉडी को करना है क्लीन, जिसके लिए हमें शावर जेल चाहिए होगी, सोप चाहिए होगा, उसके बाद ही हम लोग करेंगे अपनी बॉडी को स्क्रब, होममेड स्क्रब हो या बाहर का स्क्रब हो, स्क्रब मस्ट किया करें। डेड स्किन खत्म हो जाती है, जो सेल्स होते हैं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाती है, स्मूथ हो जाती है। और उसके बाद ये अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है जी, आप लोग चाहें तो बॉडी पे मतलब बॉडी को वॉश करने के बाद, स्क्रब करने के बाद टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। टोनर के तौर पे आप लोग रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा स्प्रे करें उसको, ड्राई होने दें। और उसके बाद जो हमारी मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाता है जी मॉइस्चराइज़र। और मैंने मॉइस्चराइज़र के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे, पढ़िए आप लोग जाके देख सकते हैं कि मॉइस्चराइज़र हमें कब यूज़ करना चाहिए, कौन सी स्किन पे यूज़ करना चाहिए और किस किस तरीके से मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और कौन कौन सी स्किन के ऊपर कौन कौन सा मॉइस्चराइज़र सूट करेगा। उसमें मैंने काफ़ी सारे मॉइस्चराइज़र शेयर किए हैं, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी अभी तक वीडियो तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जी अभी हम लोग आ जाते हैं मॉइस्चराइज़र के ऊपर। और सबसे पहले जी मैंने डव के साथ ही, डव का ही कॉम्बिनेशन बनाया है, ये डव की क्रीम है, ये मैंने अपनी मॉइस्चराइज़र वाली वीडियो में भी शेयर किए है, देख सकते हैं आप लोग। और उसके ऊपर ये डिटेल में इसका रिव्यू पड़ा हुआ है और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी थिक सी है ये, और जैसे शिया बटर होता है ना थिक सा, वैसे ये भी थिक सी। आप लोग चाहें तो शिया बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना शिया बटर यूज़ किया लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे नहीं लगे, तो इस वजह से मैं वापस क्रीम और लोशन के ऊपर ही आ गई हूँ कि चलो भाई ये स्किन। और शिया बटर जो होता है ना ज़्यादा उनकी स्किन के लिए, तो जिनकी बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो, मेरी कुछ खास इतनी है नहीं, ड्राई है लेकिन इतनी नहीं है कि शिया बटर की मुझे ज़रूरत पड़े, तो मैं जो है ना ये यूज़ करती हूँ डव की क्रीम है। और ये बॉडी क्रीम के नाम से ही है, डव एसेंशियल नरिशमेंट बॉडी क्रीम है, ये आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएगी और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है फॉर ड्राई स्किन, आप लोग अपनी स्किन के हिसाब से ले सकते हैं। करना तो हम लोगों ने बॉडी को मॉइस्चराइज ही है ना, तो आप लोग, कई लोगों को क्रीम पसंद होती है जो थिक कंसिस्टेंसी में होती है ये वाली जो है, लेकिन कई लोगों को लोशन वगैरह यूज़ करना पसंद होता है। तो ये मैं मानती हूँ कि विंटर में जो सबसे बेस्ट लोशन है ना वो निविया का ये वाला, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये मैं एक बोतल ख़त्म भी कर चुकी हूँ और एक मैंने नई भी ला के रखी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा, अगर आप लोगों को सूट करता है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग वो करें। या आप लोग कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं आप लोग वो भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगता है, जो आप लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो आप लोगों की मर्ज़ी है। इस वीडियो का जो मेन मकसद था ना आप लोगों को बताना था कि बॉडी केयर बहुत ज़रूरी है और हम लोगों को बॉडी केयर में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है बॉडी केयर के बारे में। तो खैर मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और ये सारी जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, और वैसे भी बॉडी केयर में यही चीज़ें ज़्यादा मतलब यूज़ में थी, मतलब हम लोग अगर अपनी बॉडी की एक हिसाब से केयर करते हैं ना तो फिर हमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है कि जैसे हम लोग बॉडी के ऊपर बॉडी पॉलिशिंग वगैरह कराएं पार्लर्स में जाके या और भी जो भी होते हैं, जो भी करवाना होता है वो करवाएं। तो इसलिए आप लोग घर पर अपनी अच्छे से केयर किया करें। ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये होता है, मेरी वीडियोज़ का मकसद ये होता है कि आप लोग घर पर बैठ के आराम सुकून से आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है आप लोग करना चाहते हैं और वीडियो देखें आराम से और आप लोग घर पर अप्लाई करें और आप लोगों को अच्छा भी लगे, अपना काम खुद किया करें, वैसे भी अपना काम खुद करके काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो इतनी सी थी, अगर पसंद ही हो तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।